एक चीज इतना बताइएगा कि उस वक्त के दौर के जो पेशेंट थे और आज के दौर में आपको टर्नओवर किस लेवल पे मिला, कितने परसेंटेज पे मिला? ये तो यानी इसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। यानी उस वक्त तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि हमने जब पहली रिसर्च की थी 2008-09 में, तो 25 पेशेंट थे जो हमने 6 महीने में जमा किए थे। सही। और बड़ी मुश्किलों से, वो भी ना पैसे तो हम उनसे ज़ाहिर ले भी नहीं सकते थे, उल्टा देने की वो हो सकती थी, लेकिन देना नहीं पड़े, बहरहाल बिरयानी खिलाई, बस उन्होंने करा लिया, हिजामा कराने पर राज़ी हो गए वो। अच्छा। लेकिन जो है ना ये यानी उस वक्त में ऐसी कंडीशन थी कि लोग जानते ही नहीं थे हिजामा को। सही। और अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि 25 पेशेंट तो मेरे ख्याल है एक दिन में भी बाज़ दफ़ा हिजामा कराने के लिए आ जाते हैं, और जो कि पैसे देकर हिजामा करा रहे होते हैं। और उसकी वजह क्या है, हिजामा इतना जो है वो कैसे जो है ना इतना पॉपुलर हुआ, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो रिजल्ट्स हैं। अच्छा। यानी हिजामा से क्योंकि लोगों को रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो वो हिजामा करवा भी रहे हैं, और वो न सिर्फ करवा रहे हैं बल्कि वो रेफर भी कर रहे हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त अहबाब को, अपने ऑफिस के कोलीग्स को। तो यानी कि हिजामा के जो इतने ज़्यादा मैग्नीट्यूड के ऊपर हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन हुई और इतनी तेज़ी के साथ ये स्प्रेड हुआ है, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ी वजह जो है वो इसके रिजल्ट्स हैं। क्योंकि लोग जो है वो सिर्फ बिलीफ की बुनियाद पर या सिर्फ अकीदत की बुनियाद पर नहीं करा सकते इतने बड़े पैमाने के ऊपर। हो सकता था कि छोटे मोटे पैमाने पर ये चलता रहता, लेकिन देखें उस वक्त तो बहुत शुरू में तो करने वाले भी कम थे, अब तो करने वाले भी हज़ारों की तादाद में हैं, और उसके बावजूद जो है वो पेशेंट्स की तादाद जो है वो हर एक के पास जो है वो पहले की नस्बत बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो चुकी है। तो इसका यही मतलब है कि यानी हिजामा जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, और उसके पॉपुलर होने की एक बड़ी वजह जो है वो रिजल्ट्स हैं, और दूसरी बड़ी वजह जो है वो लोगों की इस हवाले से भी अकीदत भी है कि सुन्नत इलाज है।